हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है टैक्स एग्जेम्पशन। राइट, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है उसमें किस तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है, इसके बारे में हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स की बात की जा रही है। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको पूरा देखना, ठीक है ना? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं अपने चैनल के मेंबरशिप प्लान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने मेंबरशिप प्लान के बारे में शायद सुना होगा, जिसमें आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिल रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल पे जाना है, जो कि है कॉमर्स की पाठशाला। यहाँ पे आने के बाद आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जिसको आपको दबाना है। दबाने के बाद इग्नू एमकॉम के लिए देखो, यहाँ पे बहुत ही एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करके आप हमारे चैनल का जो एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान है एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। 1 रुपए भी आपको असाइनमेंट के लिए पे नहीं करना होगा। आप अगर नोट्स खरीदना चाहते हो तो वो भी आपको बहुत ही सस्ते दामों पे हमारे चैनल की मिल जाएंगी। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, जहां पे आपके हर एक तरह की क्वेरी, हर एक तरह के क्वेश्चन का जो है सॉल्व आपको किया जाएगा, ताकि आप बहुत ही स्मूथली अपनी स्टडी को कर सको। सो इट्स अ काइंड ऑफ यू नो, जैसे कि आप क्लासेस करते हो ऑनलाइन क्लासेस, उसी तरह की चीजें हैं। आपको हर एक तरह की सर्विस यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस भी जो है इन फ्यूचर प्रोवाइड करने की बात है, मैं धीरे धीरे उनको भी स्टार्ट करूंगा। तो ये सारी की सारी बेनिफिट्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आप हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान को लेंगे। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको प्लेलिस्ट के थ्रू स्टडी करना है। आपको हमारे चैनल पे विजिट करने के बाद सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको प्लेलिस्ट ढूंढना है। प्लेलिस्ट आप जैसे ही ढूंढ लोगे, वहाँ पे इग्नू एमकॉम नाम से सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको इग्नू IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी वीडियोज मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ ढेर सारी वीडियोज है जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसको चेक करने का। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशन के बारे में, जिसके जो कि हमारा टॉपिक है आज का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। राइट, सो इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट, वेरियस टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड, लेट अस नाउ डिस्कस देम। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन की घोषणा करी है। इनकम टैक्स में उनको बहुत ही कम पैसे पे करने होते हैं, ज्यादा पैसे पे नहीं करने होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड होकर के पार्टिसिपेट कर पाए और उनको एक तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने का भी मौका मिल पाए। क्योंकि सारे पैसे अगर वो टैक्स में दे देंगे तो उनका बेनिफिट क्या होगा, है ना? वो जो मेजर मोटिवेशन उनके अंदर आना चाहिए वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जो कि मैं एक-एक करके आपको बताने वाला हूं। तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, सो एज मेजर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स आर ग्रांटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। द मेजर इंसेंटिव्स आर, जो मेजर जो इंसेंटिव्स है, जो बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट है द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट derived from the export of specified goods or merchandise of the exporters and or the supporting manufacturers is deducted from the total profit, है ना? तो जो भी profit, suppose government ने बोला कि अगर आप इस चीज का trade करोगे तो आपको tax payment करने की जरूरत नहीं है। तो suppose आपने 3-4 चीजें आप बाहर में export कर रहे हो, उसमें एक चीज जिसके ऊपर tax payment नहीं करना है, उससे अगर आपको कोई भी profit होगा तो total profit से आप उस profit को deduct कर सकते हो, ताकि जो total taxable income होगा वो total पैसे जो आपने कमाए उसके ऊपर नहीं होगा, बल्कि उन सारे टॉपिक, उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा जिसके ऊपर कोई प्रॉफिट बेनिफिट नहीं दिया गया है। मतलब एक तरीके से ये इनकम टैक्स में आपको छूट दी जा रही है कि किसी स्पेसिफाइड गुड्स के एक्सपोर्ट पे आपको अगर प्रॉफिट होता है तो उसको वो लोग एज ए टोटल प्रॉफिट काउंट नहीं करेंगे, और आपको इनकम टैक्स भी उसके ऊपर किसी भी तरह का पे नहीं करना होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट है, अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ होटल और टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, है ना? यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो बताई जा रही है आपकी स्पेसिफाइड अमाउंट के बारे में, कि आपके प्रॉफिट का जो स्पेसिफाइड एक अमाउंट होगा, है ना, वो अमाउंट आपका जो है, अगर बिजनेस आपका होटल का है या फिर टूर ऑपरेटर का है या फिर ट्रैवल एजेंट का आपका है, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपका टोटल प्रॉफिट से मतलब एक तरीके से काट लिया जाएगा। उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट आपका बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। मतलब सपोज आपको 300 रुपए पे करना है, मान लो 300 रुपए आपको पे करना है, उसमें से बोला गया कि होटल बिजनेस अगर आप कर रहे हो, टूर ऑपरेटर अगर आप हो, ट्रैवल एजेंट अगर आप हो, तो इस केस में आपको 200 रुपए की छूट मिलेगी। तो 300 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 200 रुपए घटा लो क्योंकि आपको तो छूट मिल गई, बचा 100 रुपया। तो आपको टैक्स 100 रुपए पे पेमेंट करना होगा, ना कि 300 रुपए पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसलिए आप देखना कि हर एक जगह पे जो है बहुत ही नजदीक नजदीक में जो है ट्रैवल एजेंट का शॉप खुला हुआ है,
बुकिंग्स का शॉप खुला हुआ है जहाँ पे आप अपने टिकट्स को बुकिंग कर सकते हो. सो दैट इज वाई दे आर ओपनिंग दिस मच नंबर ऑफ यू नो शॉप्स, है ना. तो ये बेनिफिट हो गया. तीसरा बेनिफिट है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर द टैक्स रिलीफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ सिस्टम, है ना. अगर आप इंपोर्ट सिस्टम, अगर आप सिस्टम को इंपोर्ट करवा रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो या फिर आप अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस चीज के ऊपर आपको टैक्स रिलीफ मिलता है. अगर आपको किसी भी तरह का टैक्स लग रहा होता है तो आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना होता. किन किन चीजों पे? अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप किसी सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो, ये दोनों ही केसेस में आपको टैक्स जो है पेमेंट नहीं करना होगा. चौथा पॉइंट है, द प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपोर्ट और ट्रांसफर ऑफ फिल्म, वीटी सॉफ्टवेयर, टीवी न्यूज सॉफ्टवेयर, टेलीकास्ट राइट्स आर पार्शियली डिडक्टेड, है ना. तो जो भी प्रॉफिट आपको इन सारी चीजों से आएगा जो मैंने आपको बताया, सपोज आपने फिल्म ट्रांसफर करा या वीटी ट्रांसफर करा या टीवी न्यूज सॉफ्टवेयर आपने ट्रांसफर करा, टेलीकास्ट आपने जो है बाहर के किसी कंट्री को बेचा है कि आप यहाँ पे टेलीकास्ट कर सकते हो, तो ये सब जो चीजें हैं वो पार्शियली डिडक्ट होंगी. मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर टैक्स आपको फुल देना पड़ेगा, आपको टैक्सेस जो है कम पेमेंट करने होंगे, इसमें आपको डिडक्शन जो है मिलेगा, है ना. तो ये चौथा बेनिफिट हो गया. पांचवा बेनिफिट है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर टैक्स रिलीफ टू द इंडियन कंपनी और रेसिडेंट टैक्स पेयर बाय गिविंग अ स्पेसिफाइड डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, है ना. तो आपको 50% जो भी आपका प्रॉफिट का होगा वो आपके प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में से घटा दिया जाएगा. सपोज आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में से 1 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हो रही है ना, तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको पेमेंट नहीं करना है टैक्स, आपको देना है 50 लाख के ऊपर, क्योंकि 50% प्रॉफिट जो है आपका डिडक्ट कर लिया गया. बिकॉज आप जो है अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर, आप अपने प्रोजेक्ट को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, है ना. तो बाहर से इंडिया में क्या होता है, पैसा आता है. तो जब पैसा आता है तो गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि वो जो है आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, जिसके तहत आपको 50% ऑफ द प्रॉफिट जो है डिडक्ट कर लिया जाता है और जो रेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है ना. तो ये पांचवा नंबर पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. छठा नंबर पॉइंट है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर 10 ईयर्स टैक्स हॉलीडे टू यूनिट्स एफटीजे ईपीजे 100% ईओयू एंडिंग विद द ईयर 2010-11. 2010-11 जिनका भी यू नो टैक्स हॉलीडे एक तरीके से खत्म हो रहा है, तो उनके लिए एक प्रोविजन दिया गया है कि आप 10 ईयर्स हॉलीडे आप कर सकते हो. एफटीजे ईपीजे जो यूनिट्स होते हैं वहां पे 100% तक आपको जो है छूट मिल जाएगी इन सारे जगहों पे 10 ईयर्स हॉलीडे, 10 ईयर्स टैक्स हॉलीडे जो नाम है इस प्रोविजन के तहत, है ना. देयर इज अ प्रोविजन फॉर टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ प्लांटेशन सब्सिडी. तो सपोज आपका बिजनेस प्लांटेशन के ऊपर है, आप अपने पेड़, आप पेड़ लगाते हो, पेड़ के ऊपर आपका काम है, यू नो प्लांट बेस्ड आपका कोई काम है, तो है ना. तो वहां पे जो भी आपकी इनकम होगी वहां पे एक तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन का आपको सब्सिडी दिया गया है. प्लांटेशन सब्सिडी आपको दिया जा रहा है कि एक तरीके से आपको जो है वहां पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा. यहाँ पे प्लांटेशन से देखो कंफ्यूज करने की बात की जा रही है. एक तो प्लांटेशन आपका हो गया कि पेड़ पौधों वाला कुछ काम, या फिर सपोज आप इंडिया के बाहर जा करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप वहां पे जाके आप प्लांट्स बना रहे हो, बड़े बड़े प्लांट्स आप रेडी कर रहे हो, तो वहां से जो आपका इनकम होगा उसके ऊपर भी आपको टैक्स जो है नहीं पेमेंट करना होगा. तो यहाँ पे प्लांटेशन में किस प्लांट की बात की जा रही है, इट इज हार्ड टू नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरे वाले टाइप की ही बात की जा रही है यहाँ पे, है ना. तो ये बेनिफिट आपको मिलता है. उसके बाद है रिबेट ऑन रॉयल्टीज. आपको रॉयल्टी अगर आप रिसीव कर रहे हो बाहर की किसी कंपनी से तो उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाएगा. कमीशन आप बाहर की कंपनी से रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड्स रिसीव कर रहे हो, है ना, फ्रॉम सर्टेन फॉरेन इंटरप्राइजेस ग्रांटेड, है ना. तो जो सर्टेन बाहर की फॉरेन इंटरप्राइजेस है वहां से अगर आपको रॉयल्टीज आ रही है, कमीशन आ रही है, डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो उस केस में किसी भी तरह का आपको जो है टैक्स, किसी भी तरह का नहीं, आपको रिबेट मिल जाता है. कम पैसे आपको पे करने होते हैं, सारे पैसे आपको पेमेंट नहीं करने होते हैं. नवा नंबर पॉइंट है, टैक्स रिलीफ इज प्रोवाइडेड ऑन रेमुनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय टीचर्स प्रोफेसर्स ईटीसी, है ना. तो सपोज इंडिया के बाहर से किसी, इंडिया के बाहर से किसी को पैसे मिल रहे हैं, इंडिया के टीचर्स हैं जो कि बाहर से पैसे लेकर के आ रहे हैं इंडिया में, तो उनको एक तरीके से जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको टैक्स रिलीफ प्रोवाइड की जाती है उनके रेमुनरेशन में, है ना. दसवां नंबर पॉइंट है, टैक्स रिलीफ इज प्रोवाइडेड टू प्ले राइट्स आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्समैन एटीसी. तो यहाँ पे जो प्ले राइट्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको टैक्स रिलीफ प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको भी एक तरीके से इंकरेज किया जा सके, ताकि वो भी अपनी एक्टिविटीज को ज्यादा एंगेजिंग बनाए, ज्यादा एंगेज हो, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को फायदा हो.
सो टैक्स रिबेट इज गिवन ऑन रेमुनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज रेंटेड आउटसाइड इंडिया। तो सपोज आपकी कोई कंपनी है जो कि इंडिया के बाहर आप अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे बीपीओ कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ पे वीबिल नाम की एक कंपनी है वेस्ट बंगाल में, जो कि यू नो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया के बाहर, जो है कॉल सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो वहां से जो भी उनका इनकम होगा, वीबिल का जो भी इनकम होगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उनको एक तरीके से जो भी रेमुनरेशन उनको रिसीव होगा वहां पे उनको जो है टैक्स रिबेट मिलेगा, वहां पे उनको कम टैक्स पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। देखो ये सारे पैसे बाहर से आ रहे हैं ना, तो इसके ऊपर टैक्स तो बनता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कम टैक्सेस लेती है ताकि आप एनकरेज हो सको, आप अपने काम को और एंगेजिंग बनाओ, आप अपने काम को और ज्यादा एक्सपेंड करो, है ना। सो यहाँ पे बेनिफिट गवर्नमेंट का भी है और जो काम कर रहा है उसका भी बेनिफिट है, राइट। आखिरी पॉइंट है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट और ट्रांसफर ऑफ फिल्म सॉफ्टवेयर टेलीविजन सॉफ्टवेयर इटीसी, ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया है ना। तो जो प्रोविजन है डिडक्शन का, आपके प्रॉफिट अगर आपको कोई होता है जब आप ट्रांसफर कर रहे हो फिल्म सॉफ्टवेयर को या टेलीविजन सॉफ्टवेयर को, तो वहां से जब भी आपका कोई प्रॉफिट होगा तो वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के एक प्रोविजन है कि आपको जो है डिडक्शन यहाँ से मिलेगा अगर आपको कोई भी प्रॉफिट इन सारे चीजों में होता है तो, राइट। तो यहाँ पे टोटल 12 तरह की प्रॉफिट्स की बात की गई, 12 तरह के यू नो एग्जेम्पशंस की बात की गई जो कि प्रोवाइड की जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।